गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे संबंधित कुछ बातों को समझे हुए थे कि आखिर मोसले ने एटॉमिक नंबर को ही आधार क्यों बनाया। इससे संबंधित जो टॉपिक्स था उसको हम लोग वहाँ पर समझ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी लॉन्ग हॉल ऑफ, यहां पर देखते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मोसले ने क्या किया, एक पीरियोडिक लॉ दिया। वो आधार क्या था, तो आधार था एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने उसमें यही कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट। ओके, तो इस आधार पर इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया। तो कह सकते हैं कि मोसले यानी कह सकते हैं मोसले गेव ए पीरियोडिक लॉ विच इज एज फॉलो, विच इज एज फॉलो। क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। यानी जिसको बाद में क्या बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अगर सजाया तो एक निश्चित अंतराल पर, एक सर्टेन इंटरवल पर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड। ओके, तो कह सकते हैं कि इट मींस व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of their atomic number then at a certain interval सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर एलिमेंट्स को जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं, सजाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तब एक निश्चित अंतराल पर, एक सर्टेन इंटरवल पर समान गुण वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी इट मीन्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर देन एट ए सर्टेन इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड। ठीक है,
तो कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोडर पीरियोडिक लॉ, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया लॉ, देयर आर सो मेनी मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल्स टेबल्स वेयर prepared, but out of them long form of periodic table is considered as a more क्या हो जाएगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंसीडर्ड एज ए बेस्ट मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, गिवन बाय मोसले, इसके द्वारा दिया गया तो मोसले के द्वारा जो बनाया गया. ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देयर आर सो मेनी मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स वेयर प्रिपेयर बट आउट ऑफ देम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंसीडर्ड एज ए बेस्ट मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोसले, जो कि किसके द्वारा दिया गया था तो मोसले के द्वारा दिया गया था. ठीक है, यानी यहां पर आपका कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. कहने का मतलब हुआ कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन एट ए सर्टेन इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड. ऑन दिस बेसिस, इसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पर बहुत सारे मॉडल बनाए गए पीरियोडिक टेबल का, लेकिन मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया जिसका नाम दिया था क्या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको सबसे बेहतर मॉडल माना गया. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसका फीचर क्या है. ठीक है ना, यानी फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी सबसे पहला कह सकते हैं बात क्या होगा कि कह सकते हैं कि देयर आर सेवन हॉरिजॉन्टल रो इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, तो पीरियड कहते हैं. क्या कहेंगे, तो पीरियड कहेंगे, यानी देयर आर सेवन हॉरिजॉन्टल रो इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कॉल्ड पीरियड. फिर कह सकते हैं कि द नंबरिंग ऑफ पीरियड फ्रॉम 1 to 7. ठीक है, यानी नंबरिंग ऑफ पीरियड कहां से कहां तक हुआ, तो 1 से 7. और ये चीज ध्यान रखेंगे कि ईच पीरियड स्टार्टेड विथ ए
डिफरेंट क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ठीक है, यानी जो प्रत्येक जो पीरियड होगा एक से सात तक एक अलग डिफरेंट प्रिंसिपल लगा सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस तरह से आपका आधार कार्ड है आपका, तो आधार कार्ड में आपका नाम होता है, फादर्स नेम होता है, कौन से मोहल्ले से या किस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उस गांव का पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना कहाँ है, किस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, साथ में किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो एग्जैक्ट आपका पोजीशन आपको वो आधार कार्ड आपको दे देता है। वर्ल्ड में कहीं चले जाए और उस आधार कार्ड को अगर दें तो पता कर लेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं आपका, चूंकि वहां पर सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको आपके बारे में दे दिए गए। उसी तरह से आपका अगर एटम में इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का एटम में परमाणु में पोजीशन क्या है, क्या स्थिति है उसकी, ठीक है ना, तो उसको पता करने के लिए क्वांटम नंबर आपको हेल्प करता है, वही इंफॉर्मेशन देता है टू द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है, कि किस ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, उसका डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है, सारे एक एक आपका जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो सारे इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर उसी का एक पार्ट है टाइप्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के, जो कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में उपस्थित है उसके पोजीशन को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, यानी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंग्स, ठीक है, वे किस ऑर्बिटल से, किस ऑर्बिट से बिलोंग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में सूचना देता है। तो इस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट पीरियड आपका स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पीरियड अगर स्टार्ट होता है तो किस क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है, वन से, तो क्या बताता है कि फर्स्ट पीरियड में आने वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें केवल एक ही ऑर्बिट उपस्थित होगा, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके, तो इस तरह से दिमाग में हम लोग मेंशन करेंगे जब स्टडी ऑफ पीरियड को देखेंगे, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि देयर आर नाइन वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल कॉल्ड ग्रुप, क्या कहा गया, तो ग्रुप कहा गया, यानी देयर आर नाइन वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहेंगे हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि नंबरिंग ऑफ ग्रुप्स आर जस्ट लाइक मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, रोमन अंकों में उसको नंबरिंग किया गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट एंड जीरो, और वहां पर क्या किया गया कि जीरो और एथ ग्रुप को छोड़ करके बाकी सभी ग्रुप्स को
क्या किया गया, सब डिवाइड किया गया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, यानी जो पार्ट टू आपका वीडियो होगा उसमें जब देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर यही वीडियो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब, ठीक है ना। तो पार्ट टू देखिएगा मेंड्रिप का। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि जिस तरह से मेंड्रिप ने ग्रुप का नंबरिंग किया जस्ट उसी तरह से रखा गया। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड जीरो, ठीक है। और फिर कहा गया कि एक्सेप्ट जीरो एंड एथ ग्रुप, ऑल द ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड क्या किया गया, सब डिवाइड किया गया इनटू सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, ठीक है। सब ग्रुप बी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया कौन कौन सा ग्रुप को छोड़ करके, तो जीरो एंड एथ को छोड़ करके। जैसे हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्रुप जो है उसको फर्स्ट ए और इसको क्या फर्स्ट बी में बांटा गया, सेकेंड जो ग्रुप है उसको सेकेंड ए और सेकेंड बी में बांटा गया, थर्ड जो ग्रुप है उसको थर्ड ए और क्या थर्ड बी में बांटा गया, ठीक है ना। इस तरह से जीरो और एथ ग्रुप को छोड़ करके बाकी सभी ग्रुप्स को सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में क्या किया गया, सब डिवाइड किया गया। डिवाइड करने का कारण क्या था, रीजन क्या था, रीजन यह था कि मेंड्रिप उस समय क्या किए थे, एलिमेंट्स को दो तरह से क्लासिफाई किए थे, ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पर। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको सब ग्रुप बी में रखा इन्होंने और जो नॉन ट्रांजिशन होते हैं उसको सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में रख दिए, जो कि मेंशन है आपका जब आप देखेंगे मेंड्रिप पीरियोडिक टेबल वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग आप देखते हैं कि बट अकॉर्डिंग टू यूपेक देयर आर 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो कैसे देखिए, सात तक, एक से सात तक बटा गया था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी सेकेंड ए सेकेंड बी थर्ड ए थर्ड बी, इस तरह से कीजिएगा तो सात ग्रुप को डिवाइड किया गया था, तो सेवन टू जा क्या होता है 14 हो जाता है। एथ ग्रुप को तीन भागों में बांटा गया, 14 और थ्री कितना 17 हो गया और एक आपका जीरो ग्रुप। सीधे यहाँ पर क्या कहा गया कि एक से 18 तक क्या लीजिए, गिन लीजिए, ठीक है ना। एंड दियर नंबरिंग फ्रॉम 1 to 18 नाउ ए डेज आजकल हम लोग कितना गिनते हैं, तो 18 ग्रुप्स जिसकी गिनती कहां से कहां तक होती है, तो 1 से 18 तक की गई, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ पीरियड, ओके स्टडी ऑफ पीरियड हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं स्टडी ऑफ पीरियड, स्टडी ऑफ पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीरियड
इसके बाद दूसरा हम लोग लेके चलेंगे मैजिक नंबर, जो कि पहले बता चुके हैं वो क्या होता है, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। उसके बाद एटॉमिक नंबर, पहले कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, उसके बाद जो रिमार्क्स है वो आपका हम लोग देखेंगे पीरियड से संबंधित, ठीक है। तो n बराबर 1 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड, क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड। और पहला जो मैजिक नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो 2 होने का मतलब क्या इंडिकेट किया कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2, क्योंकि मैजिक नंबर यही इंडिकेट करता है कि उस पार्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स उपस्थित हैं। तो फर्स्ट पीरियड की जब बात करते हैं तो मैजिक नंबर जो 2 है वो इंडिकेट करता है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स, तो 2। कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर होगा, तो 1 से लेके 2 तक, यानी हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक ही, यानी 2 एलिमेंट्स ही यहां पर रह जाएंगे। इसको कहा जाएगा शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड कहेंगे। फिर चलते हैं एन बराबर 2, यानी सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड आपका मैजिक नंबर क्या होता है, 8। 8 होने का मतलब कि उस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 8। और एटॉमिक नंबर कहाँ से, 3 से लेके 10 तक, यानी 3 किसका होता है, लिथियम का, और ये आपका हो जाता है नियोन, यानी लिथियम से नियोन तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किस पीरियड से बिलोंग करेंगे, तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेंगे। इसको कहेंगे हम लोग शॉर्ट पीरियड, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं एन बराबर 3, यानी थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड मैजिक नंबर भी 8 ही होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में कितने आने वाले हैं, तो 8। तो कहां से, 11 से लेके 19 तक, यानी सोडियम से लेके 18 तक होगा, यानी आर्गन तक, यानी सोडियम से आर्गन तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे किस पीरियड से बिलोंग करेंगे, तो थर्ड पीरियड से। इसको भी हम लोग कहेंगे शॉर्ट पीरियड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पीरियड, एन बराबर 4, यानी फोर्थ पीरियड, ठीक है। तो चौथा जो मैजिक नंबर होता है वह होता है क्या, 18। मतलब कि फोर्थ पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, तो 18, यानी 19 से लेके आपका 36 तक, यानी पोटासियम से लेके क्रिप्टन तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपका फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड। और यहीं से आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन बराबर 5, यानी इस पीरियड में आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे, 5, इसमें कितना, 4। एन बराबर 3, तो इस पीरियड में आने वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें ऑर्बिट की संख्या क्या होगी, 3। तो इस तरह से हम लोग ध्यान कर सकते हैं, ये आपका हो गया फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ आपका मैजिक नंबर भी क्या होता है, 18 होता है, मतलब फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं, तो 18। कहां से, तो 37 से लेके 54 तक, यानी रुबिडियम से लेकर के ज़ेनन तक। और इसको हम लोग क्या हो जाएगा, यह भी आपका लॉन्ग पीरियड ही कहलाता है। और यहां पर स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर देखें एन बराबर 6, तो यह आपका होता है सिक्स पीरियड, यह आपका होता है 32, और
कितना एलिमेंट, तो 32, और कहां से कहां तक, तो कर सकते हैं यहां पर आपका 55 से लेके कहां तक 86 तक 86, तो ये आपका हो जाएगा सीजीएम और सीजीएम से लेके रैंडम रैंडम तक, ठीक है। और यहां पर यह आपका कहलाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, क्या कहलाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाएगा। और यह पीरियड जो होता है यहां पर फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। कि n बराबर जब 7 आएगा तो 7 पीरियड हो जाएगा यहां पर, तो इसके लिए आप कह सकते हैं पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट है कहां से कहां तक, तो 87 से लेके एबव तक, 87 से यानी 87 से एबव तक, यानी फ्रांसियम से एबव तक चले जाइए, या आपका स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी इनर जो ट्रांजिशन सीरीज होता है वो आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो होगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को कहेंगे, ठीक है ना। तो आगे आपको 11th क्लास में अच्छी जानकारी, और भी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, फिलहाल जितना आप लोगों के लिए आवश्यकता है उतना हम दे रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, यानी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं आपका पीरियड में, देखें ट्रेंड, देखें हम लोग ट्रेंड इन पीरियड, कहा जाता है कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पार्टिकुलर पीरियड, पार्टिकुलर पीरियड, देन एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एंड एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्या होता है, तो घट जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लेफ्ट टू राइट क्या हो गए, आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि आपका सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में हम लोग देखें यानी n बराबर 2, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो लिथियम आपका हो जाता है, उसके बाद बेरिलियम हो जाता है, उसके बाद आपका बोरॉन हो जाता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड क्या नियोन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर इसका कंफ्यूगेशन अगर करें तो क्या कर सकते हैं, 1s2, 2s1 इसका करें, 1s2, 2s2,
इसका करें 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। यहां पर करें तो 1s2, 2s2, 2p2, इसका अगर करें तो 1s2, 2p, 2s2 और 2p क्या 3, 4, 3, 7, ठीक है। उसी तरह से इसका करें 1s2, 2s2, 2p 4, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p 5 और इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p 6। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट क्या है, सेकेंड है, यहाँ पर 20 सेकेंड है, यहाँ पर 20 सेकेंड है, सभी में आपका लास्ट ऑर्बिट क्या है, सेकेंड है। यानी इस पीरियड में आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, सेम है। यानी पीरियड के अक्रॉस अगर आप पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन एक चीज समझना है कि यहाँ पर नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10 तक बढ़ रहा है, ठीक है। इसका फर्क क्या पड़ेगा, फर्क यही पड़ेगा कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डेवलप करेगा। न्यूक्लियर चार्ज डेवलप करने का मतलब कि भीतर की ओर आकर्षण बल क्या होगा, मजबूत होगा। यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, कहां तक, पोलेन तक। इसको हम लोग एक्सेप्शन में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो वहां पर यह प्रभाव नेग्लिजेबल हो जाता है। लेकिन पोलेन तक एक्सट्रीम तक आते आते यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डेवलप करते जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का है वो क्या हो रहा है, उसके चलते क्या होगा, भीतर की ओर खींचा होगा, जिसके कारण एटम भीतर की ओर क्या होगा, खींचेगा, जिसके कारण वो सिकुड़ेगा। यानी जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे, सिकुड़न जो है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और लास्ट में एटम का साइज क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, यही कारण है। तो हम लोग 11th क्लास में एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे, तो ये सही यही रीजन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग किसी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे चले, यानी जैसे सोडियम की बात करें, पोटासियम की बात करें, रेबिडियम की बात करें, सीजियम या फ्रांसियम की बात करें, ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55, इसका कितना, तो 86, ठीक है, 86 एक 87, ठीक है, 55, 36, ठीक। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है ऑर्बिट। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर जाए तो देखेंगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे हमको लिथियम की बात करें तो कितना ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। लिथियम का बात करें तो उसी तरह से सोडियम की बात करें तो 3 ऑर्बिट होगा, 3 ऑर्बिट होगा इसमें, तो साइज हो गया सोडियम का। पोटेशियम की बात करें तो इसमें 4 ऑर्बिट होगा, तो इसका देखिए क्या होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ते चली जा रही, बढ़ते चली जा रही, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। इस तरह से रेडियस अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी ऑलरेडी क्या होगा, बढ़ेगा, और एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, यही अर्थ है। तो ग्रुप में क्या टेंडेंसी है, ट्रेंसिंग ग्रुप में देखें, ट्रेंसिंग ग्रुप में कह सकते हैं एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ए पार्टिकुलर ग्रुप
ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। काहे इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा चीज एक हम बात करना चाहेंगे कि वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने अपने ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।